मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे. स्टूडेंट वेलकम इन आवर क्लास. स्टूडेंट, हम अपना जो चैप्टर हम कर रहे थे मिल गई परी, इसके प्रश्न उत्तर हम कुछ कर चुके हैं और बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे. बच्चों, आपको पता है कि ये कहानी में कैसे एक परी अपना रूप बदलकर क्या चिड़िया बनकर धरती पर घूमने के लिए निकली थी और आसमान में उड़ते हुए उस पर किसी बाज ने उसको घायल कर दिया और घायल होकर वो नीचे गिर गई झाड़ियों के पास. और एक लकड़हारा आ रहा था, उसने उसकी जान बचाई, उसको अपने घर पर ले गया और उसको उसकी जान बचाई. और फिर सुबह उसने देखा तो परी रूप बदलकर, जो चिड़िया थी वो रूप बदलकर परी बन गई. फिर उसने अपनी जो जान बचाई थी, किसने? लकड़हारे ने उसके प्राणों की रक्षा की थी. इसीलिए परी ने उसको सोचा कि मैं इसको कोई उपहार दूं. तो उपहार में उसने क्या बोला लकड़हारे कि मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ. तो लकड़हारा परेशान था क्योंकि उसकी माँ चाह रही थी, लकड़हारे की जो नेत्रहीन माँ थी, अंधी माँ थी, वो चाह रही थी कि उसका पुत्र परी से उसके लिए आंखें मांगे. और उसकी जो पत्नी थी वो चाह रही थी कि लकड़हारा उसके लिए क्या मांगे, संतान मांगे. का वरदान दिया था ना उसने कि हाँ कोई वरदान मांगो. तो फिर लेकिन लकड़हारा किससे परेशान था? लकड़हारा अपनी गरीबी से परेशान था. इसलिए इच्छाएं उसके पास तीन तीन थी, लेकिन परी एक इच्छा पूरी कर सकती थी. फिर सायरा सोचता रहा, उसके पास इतना अच्छा मौका मिला मेरे को अपनी इच्छाएं पूरी करने का, लेकिन एक इच्छा पूरी हो सकती थी. सुबह हुई तो फिर भाग गया, फिर परी के पास गया. तो फिर परी ने बोला, बताओ मैं तुम्हारी क्या एक इच्छा पूरी करूं? तो उसने बोला कि मेरी माँ की इच्छा थी कि वह पोते पोतों को संपन्नता में खेलते हुए देखे. तो ऐसे उसने परी ने किसकी, लकड़हारे की समझदारी और बुद्धिमानी से बहुत खुश हुई क्योंकि इसी में उनकी तीनों की इच्छाएं पूरी हो गई थी. तो कैसे लकड़हारे ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से अपनी तीनों इच्छाओं को एक इच्छा में बदलकर पूरा कराया. तो ये कहानी थी और इसका प्रश्न उत्तर मैंने जैसे आपको बताया आधे प्रश्न उत्तर हम पहले कर चुके हैं. जो बाकी बच गए उसको हम आज करेंगे. लेकिन जब भी हम प्रश्न उत्तर करें हमें कहानी बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. तो स्टूडेंट आज हम करेंगे अपने प्रश्न उत्तर पाठ 4 मिल गई परी. प्रश्न नंबर 1, परी लकड़हारे को क्या उपहार देना चाहती थी और क्यों? कहानी पड़ी थी कि उपहार देना चाहती थी क्या, कि एक इच्छा पूरी कर सकते हो तो. और क्यों? क्योंकि उसने लकड़हारे ने उसकी प्राणों की रक्षा की थी. उत्तर लिखेंगे, परी लकड़हारे को उपहार में उसकी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहती थी. इच्छा पूरी करना चाहती थी क्योंकि लकड़हारे ने परी के प्राणों की रक्षा की थी. क्योंकि लकड़हारे ने परी के प्राणों की यानी कि उसकी जान बचाई थी, कि कैसे वो घायल थी, फिर उसको पानी पिलाया, फिर उसको वो घर पर लेके गया क्योंकि वहीं छोड़ दे तो उसने सोचा कोई जंगली जानवर आएगा उसको खा जाएगा. तो फिर वो उसको अपने घर पर ले गया और सारी रात वो जाग कर उसकी क्या, उसकी देखभाल की. बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा, लकड़हारे की माँ और पत्नी ने उसे परी से क्या वरदान मांगने के लिए कहा? अभी मैंने कहानी आप पढ़ भी चुके हो, मैंने बताई थी कि उसकी नेत्रहीन माँ थी. तो लकड़हारे की माँ ने अपना अंधापन दूर करने के लिए कहा. लकड़हारे की माँ ने अपना अंधापन दूर करने के लिए कहा और लकड़हारे की पत्नी ने बच्चों का वरदान मांगने के लिए कहा. ठीक है, तो इधर उसकी लकड़हारे की माँ ने अपना अंधापन दूर करने के लिए कहा और लकड़हारे की पत्नी ने
बच्चों का वरदान मांगने के लिए कहा। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, पहले जब भी आप प्रश्न लिखो तो प्रश्न आपकी समझ में जरूर आना कि प्रश्न वो क्या पूछना चाह रहा है। लक्कड़हारे के मन में क्या था, वह पूरी रात क्या सोचता रहा। पीछे प्रश्नवाचक निशान लगाया करो और जब पूर्ण विराम ये ऐसे होता है। लक्कड़हारा अपनी गरीबी से परेशान था, मन में तो यही चल रहा कि गरीबी को कैसे कैसे दूर किया जाए। लक्कड़हारा अपनी गरीबी से परेशान था और वह पूरी रात सोचता रहा कि उसके पास तीन तीन इच्छाएं हैं, लेकिन परी केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकती थी। एक ही इच्छा पूरी कर सकती थी, परी ने एक ही इच्छा पूरी करने के लिए बोला था ना कि कोई एक इच्छा मांग लो। बच्चों आज हमने अपने मिल गई परी के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब इसके साथ साथ हम जो पीछे बैक एक्सरसाइज होती है हम वो करेंगे, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है और टिक द करेक्ट है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाए, अब वो करेंगे। तो आप भी साथ ही साथ मेरे साथ बोल बोल कर आप भी वो प्रश्न उत्तर पे निशान लगाइए, यानी कि सही पर निशान लगाना। तो बच्चों हम करेंगे, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। मित्र, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब इसको फिर दोबारा पढ़ो। मित्र, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब किसने जीवन बचाया था, लक्कड़हारे ने बचाया था। किसका बचाया था, हाँ परी का। तो ये किसने कहा, परी ने कहा। किसको कहा, किससे कहा, लक्कड़हारे को कहा। और क्यों कहा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। क्यों कहा, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, ऐसे लिखे, किसने कहा, किससे कहा। मुझे एक रात का समय सोचने के लिए दिया जाए। दोबारा फिर पढ़ते हैं, मुझे एक रात का समय सोचने के लिए दिया जाए। किसने कहा ये बताओ, किसने कहा था ये। कहानी अच्छी से पढ़ी थी ना, हाँ मैं बताओ एक बार, अगर आपको आता है तो। लक्कड़हारे ने कहा, किससे, परी से कहा। किससे कहा, परी से कहा। और क्यों कहा, क्योंकि परी ने लक्कड़हारे को वरदान मांगने के लिए कहा था। क्योंकि परी ने लक्कड़हारे से को वरदान मांगने के लिए कहा था, इसीलिए किसने कहा, लक्कड़हारे ने कहा। किसे कहा, परी से कहा कि मुझे एक रात सोचने का समय दिया जाए। मेरी माँ की इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को सम्पन्नता में खेलते हुए देखें। हम इसको एक बार फिर पढ़ेंगे, मेरी माँ की इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता में खेलते देखे। तो ये बात किसने कही, किसने कहा था ये, लक्कड़हारे ने। किसने कहा था बच्चों, लक्कड़हारे ने। लक्कड़हारे ने किससे कहा था, परी से। किससे कहा, परी से। और क्यों कहा, क्योंकि वो इसकी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहती थी। ठीक है बच्चों, अभी हमने किए है ये किसने, किससे और क्यों कहा। जब कहानी पढ़ लेते हैं तो ये ऐसी ऐसी चीजें हमें याद रखनी चाहिए, ये शब्द उसने कहा था, उसको कहा था। अब हम कर लेते इसी के साथ अपने सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ।
अब ये है लकड़हारा कहाँ रहता था? झोपड़ी में, महल में, नदी किनारे, जंगल में। झोपड़ी में कहाँ रहता था? झोपड़ी में। लकड़हारे को कौन घायल अवस्था में मिला? मोर, चिड़िया, परी, आदमी। कौन मिला लकड़हारे को? तो चिड़िया ही मिली थी ना, रूप तो उसने बाद में बदला था, परी तो बाद में बनी थी ना, तो पहले कौन मिला था घायल अवस्था में? चिड़िया। अगला हमारा, लकड़हारे की माँ ने परी से क्या मांगने को कहा? क्या कहा लकड़हारे की माँ ने परी से? अपनी आंखों की रोशनी, लकड़हारे के लिए धन संपत्ति, अपने लिए पोता पोती, या लकड़हारे की कुल्हाड़ी? क्या मांगने के लिए कहा? अपनी आंखों की रोशनी। क्यों? क्योंकि वो नेत्रहीन थी, तो उसने क्या कहा था कि मुझे, मेरे लिए आंखें वरदान में मांग ले परी से। अगले हैं, लकड़हारे ने परी से क्या नहीं कहा? क्या नहीं कहा? मेरी माँ की इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता में खेलते हुए देखे, ये तो कहा था। मुझे एक रात का समय सोचने के लिए दिया जाए, ये भी कहा था। मेरी गरीबी को दूर कर दो, ये नहीं कहा था। ये नहीं, तो इस पे टिक करेंगे हम, ठीक है बच्चों? ये नहीं कहा था तो हम इस पर टिक करेंगे। ये क्या था? अपनी आंखों की रोशनी, हम इस पर टिक करेंगे। और लकड़हारे को कौन घायल अवस्था में मिला? चिड़िया। और लकड़हारा कहाँ रहता था? झोपड़ी में। तो जब भी आप कहानी पढ़ो, उसके एक एक अक्षर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, और जब कहानी सुनो किसी से तो कहानी बिल्कुल ध्यान से सुना करो, ठीक है बच्चों? आज हमने ये अपने प्रश्न उत्तर किए हैं और बैक एक्सरसाइज किए हैं। ये कल आपको ये एक्टिविटी मैं कराऊंगी। आज इतने ही, आज आपको इतना ही अपना काम करना है, साफ साफ नोटबुक में राइट करना है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपने प्रश्न उत्तर किए हैं और साथ साथ बैक एक्सरसाइज किए हैं। आप प्रश्न उत्तर साफ साफ नोटबुक में लिखिए और उनके साथ साथ समझकर, रटके नहीं, समझकर इन प्रश्नों को याद करें। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।